जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें अपने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छूलेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करें? मैं कुछ जानवरों के नाम लूंगी। जब मैं किसी पक्षी का नाम लूं, तो आपको अपने हाथ इस तरह हिलाते हुए कहना है उड़ उड़। याद रहे, आपको ये तभी कहना है जब किसी पक्षी का नाम लिया गया हो। उदाहरण के लिए, जब मैं कहूं तोता, तो आपको उड़ उड़ कहकर अपने हाथ हिलाने हैं। पर जब मैं हिरण कहूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या आप समझ गए? जो लोग गलती करेंगे, वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? क्या आपको मजा आया? जब मैं जानवरों के नाम जल्दी जल्दी बोलने लगी, तो आप में से कुछ लोगों से गलती हो गई और आप बाहर हो गए। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आपसे गलती क्यों हुई? आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी, आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया और आपने ध्यान देकर सुना भी नहीं, इसलिए आप बाहर हो गए। अगर ऐसी बात है, तो आप में से कुछ लोग खेल के अंत तक बाहर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे छात्र ध्यान देकर सुन रहे थे, इसलिए वे अंत तक बाहर नहीं हुए। खेलते समय वे सतर्क थे और ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए वे बिना गलती किए खेलते रहे, जबकि मैं जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। तो हमने यह जाना कि अगर हम सक्रिय रूप से भाग लें, तो हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए, तो कोई भी काम सफल हो सकता है। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए, तो कोई भी काम सफल हो सकता है। क्या हम एक और खेल खेलें? मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर ले। आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और जब तक मैं ना कहूं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब तक मैं आपको आंखें खोलने के लिए ना कहूं, तब तक आप आंखें बंद रखेंगे और जो भी आवाजें सुनाई दे, उन पर ध्यान देंगे। कृपया अपनी आंखें खोलिए। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? बढ़िया। अब आप अपनी नोटबुक में उन सब आवाजों के नाम लिखिए जो आपने सुनी। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप में से 5 छात्र यहां आकर अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। ठीक है? क्या आपने एक रोचक बात पर ध्यान दिया? आप सबकी सूची एक जैसी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें, तो हम सब ने सारी आवाजों को ध्यान देकर नहीं सुना। हम सब ने वही आवाजें सुनी, पर हमें वे एक जैसी नहीं लगी। हमारे जवाब अलग अलग थे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है
क्योंकि हम जानी पहचानी आवाजों को पहले समझ जाते हैं, फिर हम उन आवाजों पर ध्यान देते हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, उसके बाद हम वे आवाजें सुनते हैं जो हमें ठीक लगती है, बाकी सब आवाजों को हम नापसंद कर देते हैं। इसलिए हमें जितनी भी आवाजें सुनाई देती हैं, हम उन सब पर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तब भी यही होता है। हम जो सुनने में अच्छा लगता है और पसंद आता है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। हम वही बातें याद रख पाते हैं जिन्हें सुनने में हमें रुचि हो, बाकी बातें याद नहीं रहती। सुनने और सतर्कता से सुनने में यही अंतर है। जब हमारा ध्यान नहीं हो तब हमें सुनी हुई बातें याद नहीं रहती, पर जब हम ध्यान देते हैं तब सुनी हुई सारी बातें याद रहती है। ध्यान देकर सुनने का यही अर्थ है। हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किया जाए वह हमेशा याद रहता है। आइए साथ मिलकर कहें, हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किए जाए वे हमेशा याद रहते हैं। हमने देखा कि सुनने और सतर्कता से सुनने के बीच में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि हमें सतर्कता से क्यों सुनना चाहिए। अब हम एक खेल खेलेंगे, इसका नाम है संदेश पहुंचाओ। मुझे 5 छात्र चाहिए, कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाए। आप में से 4 छात्र इस कमरे के 4 कोनों में खड़े होंगे। 5वां छात्र शिक्षिका की मेज पर रखा कागज उठाएगा और उसमें लिखा संदेश मन में पड़ेगा। फिर वह छात्र उस संदेश को चारों में से किसी एक छात्र के कान में कहेगा। इसी तरह दूसरा छात्र तीसरे के कान में वह संदेश कहेगा और तीसरा छात्र चौथे के। अब चौथे छात्र को वह संदेश मेज के पास खड़े 5वें छात्र को कान में कहना है। दूसरे शब्दों में कहे तो संदेश उसी छात्र के पास पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। क्या हम खेल खेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब खेल चुके? शुक्रिया। मेज के पास जो 5वां छात्र खड़ा है वह सबको बताएगा कि चौथे छात्र ने उसके कान में क्या कहा। ठीक है, सभी छात्रों का धन्यवाद। कागज में यह संदेश लिखा था, जयपुर राजस्थान में है और उदयपुर भी, पर जौनपुर उत्तर प्रदेश में है जो कि जयपुर से काफी दूर है। क्या चौथे छात्र ने यही संदेश बताया था? क्या यह कागज में लिखे संदेश से मेल खाता है? हम जब यह खेल खेलते हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो संदेश कान में सुनते हैं वह मूल संदेश से अलग होता है। जब एक संदेश 4-5 लोगों से होकर गुजरता है तो हम मूल संदेश और आखिरी संदेश में इतना अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? लोग ध्यान देकर नहीं सुनते, इसीलिए ऐसा होता है। हमें ध्यान देकर सुनना चाहिए ताकि हमें वह बात ठीक से समझ आए
और हम दूसरों को सही तरीके से बात समझा सकें। ध्यान देकर सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम दूसरों के अनुभव से कुछ सीख पाते हैं, हम बोलने वाले के साथ अच्छा रिश्ता बना पाते हैं, हम बोलने वाले के प्रति आदर प्रकट करते हैं, हम बोलने वाले की बातें ठीक से समझ पाते हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझ सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। आइए साथ मिलकर कहें, हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझा सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। आइए अब एक गीत गाएं। ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी, समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी। ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। याद सब रखने के लिए भाषा सब जानने के लिए ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। दोस्ती रिश्ते और बढ़े प्रेम भाव और बढ़े। ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। आदर सबका तुम करो सबको तुम स्नेह दो। ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, हमें बोलने वाले की आवाज पर ध्यान देना चाहिए, हर एक शब्द को ठीक से सुनना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम सतर्कता से सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। इस गीत से हमें ये सब बातें पता चलती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन बातों के बारे में और जानने की कोशिश करें। आप अलग अलग कामों के लिए रोज कई लोगों की बातें सुनते हैं, आप किसकी बात को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं? ऐसे एक दो व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगी।
वह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई पड़ोसी। इसके बाद आप में से दो या तीन लोग आकर कक्षा के सामने उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। कक्षा के सामने अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह किन चीजों की वजह से आपका ध्यान खींच पाता है? बोलने वाले की आवाज, बोलने का तरीका, शब्दों का प्रयोग, बोलने की गति और उसके हाव भाव से वह हमारा ध्यान खींच पाता है। इसलिए जब कोई हमसे बात करें तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम उसके विचार समझ पाएंगे, उसकी भावनाएं जान पाएंगे और अनकही बातों को भी भांप सकेंगे। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। आइए फिर से कहें। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम कुछ लोगों की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। अब आपको इस बारे में सोचना है कि आप किसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको यह भी सोचना है कि आप उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको ये विचार केवल अपने तक ही रखने हैं, या फिर आप जोड़ा बनाकर अपने दोस्त के साथ बैठ सकते हैं और एक दूसरे को उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना काफी है कि आप उस व्यक्ति को सुनना पसंद क्यों नहीं करते। अगर आप अपने दोस्त को उस व्यक्ति के बारे में न बताना चाहते हो तो केवल विचार करके वह बात अपने तक रख सकते हैं। इस बारे में विचार करने या बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम चर्चा करें कि हम कुछ लोगों को सुनना पसंद क्यों नहीं करते हैं? जब कोई जल्दी जल्दी बात करता है, जब हमें चर्चा के विषय में रुचि नहीं होती, जब हम बोलने वाले के प्रति या फिर उस विषय के प्रति पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, जब बोलने वाला व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है, जब हम उस व्यक्ति से बिना देखे बात कर रहे हो, तब हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम किसी का दृष्टिकोण तभी समझ पाते हैं जब हम उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। हमें बोलने वाले के प्रति कोई धारणा न बनाते हुए केवल चर्चा के विषय पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम सारे दृष्टिकोण जान पाएंगे और विषय के महत्व को समझ पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। आइए साथ मिलकर कहें, हमारा ध्यान
चर्चा के विषय पर होना चाहिए। बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अब तक हमने देखा कि सुनने का महत्व क्या होता है, सुनने और सतर्कता से सुनने में क्या अंतर होता है, हमें ध्यान देकर क्यों सुनना चाहिए और किन बातों पर गौर करना चाहिए। आइए अब जानें कि हमें ध्यान किस तरह से देना चाहिए। क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? बहुत पसंद है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई आपको कहानी सुना रहा हो तो आप उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? आप जोड़ियों में बैठ सकते हैं। आप में से एक व्यक्ति को संक्षिप्त में किसी फिल्म की कहानी अपने दोस्त को बतानी है, जो फिल्म आपके दोस्त ने ना देखी हो। ऐसा करने में आपको करीब 3 मिनट का समय लगना चाहिए। सुनने वाले को ध्यान देकर सुनना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी सुनाने वाला आराम से सुना सके। क्या आपको कहानी सुनने में मजा आया? क्या आपने कहानी सुनाने वाले को महसूस कराया कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? हम यह कैसे करते हैं? हम ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं यह बताने के लिए हम ढंग से बैठते हैं, उससे नजरें मिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, चेहरे पर उचित भाव दर्शाते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अरे, सच में, उफ, आदि। इसी तरह अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए फिर से कहें, अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या हम उन सब बातों का सार संक्षेप कर लें जो हमने अब तक सीखी हैं? जब हम ध्यान देकर काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। उसी तरह जब हम ध्यान देकर सुनते हैं तो सारी बातें याद रहती हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें, दूसरों को ठीक से समझा सकें, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें, रिश्तों को मजबूत कर सकें, दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। छात्रों, आप सब ने बहुत बढ़िया किया। सभी बातों का सार संक्षेप करने के लिए
धन्यवाद। क्या हम एक कार्यकलाप करें जिससे ये बातें हमें ठीक से याद रहें? मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिनके उत्तर साथ में दिए होंगे। आपको हर प्रश्न के लिए सबसे उचित उत्तर चुनना होगा। प्रश्न एक, आप टीवी देख रहे हैं, आपकी दादी माँ आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं, आप क्या करेंगे? उत्तर, मैं टीवी देखते हुए उनकी बात सुनूंगा या सुनूंगी, मैं टीवी बंद करके उनकी बात सुनूंगा या सुनूंगी। प्रश्न दो, आपके पापा आपको कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसमें आपको रुचि नहीं, आप क्या करेंगे? उत्तर, मैं ऐसा जताऊंगा या जताऊंगी कि मैं उनकी बात सुन रहा या रही हूं, मैं उस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दूंगा या दूंगी, मैं यह जानना चाहूंगा या चाहूंगी कि वे क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी। प्रश्न तीन, आपकी शिक्षिका एक नया पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हैं, जो थोड़ा कठिन है और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? उत्तर, मैं बिना रुचि के वह पाठ सुनूंगा या सुनूंगी, मैं रुचि लगाकर उस पाठ को सुनूंगा या सुनूंगी और समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी। क्या आपने सारे प्रश्नों और उनके विकल्पों को ध्यान से सुना? कृपया अगले सत्र में आने से पहले यह गृह कार्य पूरा करके लाना, ठीक है? हम अगले सत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। छात्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सब ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों को जांच लें? इस प्रश्न के लिए आप टीवी देख रहे हैं, आपकी दादी माँ आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं, आप क्या करेंगे? उत्तर, मैं टीवी देखते हुए उनकी बात सुनूंगा या सुनूंगी उचित नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान टीवी की तरफ होगा तो आप उनकी बात ठीक से नहीं सुन पाएंगे। यह जवाब, मैं टीवी बंद करके उनकी बात सुनूंगा या सुनूंगी, सही है, क्योंकि इससे आप उनके चेहरे के भावों और आंखों पर ध्यान देते हुए उनकी बात ठीक से सुन सकेंगे। आपका जवाब क्या है? अगले प्रश्न के लिए, आपके पापा आपको कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसमें आपको रुचि नहीं, आप क्या करेंगे? यह जवाब, मैं ऐसा जताऊंगा या जताऊंगी कि मैं उनकी बात सुन रहा या रही हूं, और मैं उस बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दूंगा या दूंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप ध्यान देकर सुनना ही नहीं चाहते, मैं यह जानना चाहूंगा या चाहूंगी कि वे क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी,
उचित जवाब है। आपका जवाब क्या है? आखिरी प्रश्न के लिए, आपकी शिक्षिका एक नया पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हैं, जो थोड़ा कठिन है और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? यह जवाब, मैं बिना रुचि के वह पाठ सुनूंगा या सुनूंगी, उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप ध्यान देकर सुनना ही नहीं चाहते। यह उत्तर, मैं रुचि लेकर उस पाठ को सुनूंगा या सुनूंगी और समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी, उचित है, क्योंकि इसमें आप रुचि लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी और पाठ समझने में भी आसानी रहेगी। आपका जवाब क्या है? आशा है आपके सारे जवाब सही थे। अगर हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?